हम खबर से आपको आगाह करेंगे। रायवंड तबलीगी इज्तमा का पहला मरहला खत्म। आलमदीन मौलाना इब्राहिम ने अख्तितामी दुआ कराई। पहले मरहले में लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कोयटा से कसीर तादाद में अफराद की शिरकत। रायवंड रोड पर बाछियाँ से कजलबाश चौक तक यकतरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रायवंड तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। अगर बात की जाए तो ये चार रोज़ कबल ये पहला मरहला शुरू हुआ था। इसमें लाखों तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। आज इज्तिमा का आखिरी रोज़ था। मौलाना इब्राहिम इंडिया वाले, उन्होंने इख्तितामी दुआ कराई। इस वक्त इस हवाले से मुल्की सलामती और कौमी अमन के हवाले से खुसूसी दुआ की गई। अगर बात की जाए इंखला के हवाले से, जो फर्जंदान इस्लाम शिरकत करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की जानब से यहाँ से खासा भरपूर प्लान तैयार किया गया। बाछियाँ चौक से लेकर यहाँ पर कजलबाज चौक तक एक तरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रायवंड से लेकर मांगा रोड, इसके साथ साथ सुलर रोड तक भी एक तरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। इसके साथ साथ मौसर इकदाम किए गए थे लाहौर पुलिस की जानब से भी सिक्योरिटी के हवाले से। 3,500 से ज़ायद जोन से सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पर तैनात किए गए थे। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरीों ने इज्तिमा में शिरकत की। लाहौर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, कोयटा डिवीज़न, इसके साथ साथ पेशावर डिवीज़न के जो फर्जंदान इस्लाम है रायवंड तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले में शरीक होंगे, जबकि दूसरा मरहला जो है 9 नवंबर से शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।